कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। इस बार कुछ नया करेंगे, और नए से मेरा मतलब है कुछ नए इवेंट क्वेस्ट जो अनलॉक हुए हैं मास्टर रैंकिंग पे, और बहुत ही खास इवेंट क्वेस्ट है वो, जो कि बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स दे सकते हैं। तो सबसे पहला है द लास्ट वाइट नाइट। अब ये एक ऐसा क्वेस्ट है जिसमें अपने को मिलता है फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ। तो यार फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ मैं तुम्हें बता दूँ, बैरियोथ का ही एक अलग सा वेरिएशन है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है बैरियोथ से। और तो और क्या कहते हैं, टेम्पर्ड फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ है। और मैं तुम्हें बता दूँ तो टेम्पर्ड मॉन्स्टर होते हैं उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो मैं वही करने वाला हूँ, इसको हंट करूँगा मैं। और क्योंकि फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ की कमज़ोरी फायर होती है, मैं एंजनाथ का ही वेपन यूज़ करने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं वार्मिंग ज्वेल भी यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार हॉट ड्रिंक मेरे को पीना पड़े। खैर वार्मिंग ज्वेल कहाँ पर है। स्लॉट लेवल 2 पे मैं फिल्टर करूँगा, ये है वार्मिंग फिल। तो ज्वेल्स वगैरह लगा दिए हैं, वेपन तैयार है, मील कर लेते हैं, उसके बाद निकलते बैरियोथ के हंट के लिए। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ जो है उसके मटेरियल्स वगैरह बहुत खास रहते हैं, कि फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ से, खासकर इस वाले से मैं जो अभी क्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अपने को एक फ्रॉस्ट फैंग टिकट मिलता है, और टिकट से नए वेपन्स डायरेक्ट क्राफ्ट हो सकते हैं। कुछ बड़े लंबे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही वेपन क्राफ्ट हो जाता है। और ग्रेट स्वॉर्ड मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्रॉस्ट फैंग जो है और भी ज़्यादा तेज़ होता है नॉर्मल बैरियोथ से, और जितना ज़्यादा तेज़ मॉन्स्टर हो उतना स्लो वेपन, वैसे स्लो नहीं बोलूँगा मैं, बट उतना टाइमिंग का जो रिवॉर्ड है वो अच्छा रहता है। देख सकते हो यार मॉन्स्टर टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड मतलब मॉन्स्टर गुस्से में है। और देख सकते हो यार यहाँ पर है फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ, उसका डिज़ाइन देखो बैरियोथ से बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसा लगता है कि एकदम एक बुढ़ा बैरियोथ है। मारा है इसको, सबसे पहले तो इसका एक पंख टेंडराइज करूंगा। इसके पंख जितनी जल्दी टेंडराइज हो जाए ना, अरे बाप रे, देख ही सकते हो यार इसका जो डैमेज है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर लड़ना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बैरियोथ से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक्स है इसके। अरे भाई साहब, चलो अच्छा है उससे तो बच गए, थोड़ा बाहर आ जाता हूँ मैं ताकि ये भी बाहर आ जाए और लड़ने के लिए एरिया थोड़ा बड़ा मिले, बट ये बाहर आ नहीं रहा है पता नहीं क्यों। ओके अभी आ रहा है, पासा बैरियोथ क्यों यार। काफी स्ट्रॉन्ग एआई है मॉन्स्टर का भी, थैंक्स बिल्ले। नीचे गिरा दिया मैंने इसको, एक अच्छा अटैक यहां पर लगना है बस।
बढ़िया डॉज रोल, एक और बढ़िया डॉज रोल, बढ़िया, एक और, चलो यार एक पार्ट ब्रेक आखिर मेरे को मिल चुका है, एक हाथ का आखिर। ओहो थोड़ी जल्दी मैंने डॉज रोल कर दिया, बहुत सही। अरे बाप रे, देख ही सकते हो यार उसका जो एक और बार 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 बचे यहां पर मैं, उसके दूसरे हाथ को बस टेंडराइज करना है मेरे डबल हिट बॉक्सेस है उस जगह पे। एक और बार वो मारने वाला है, देख सकते हो लड़खड़ाने लगा है। दूसरे हाथ को टेंडराइज करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो अरे यार कोई फायदा नहीं। ये कैसे हुआ, शॉट्स मिस हो रहे मेरे। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि उसका जो पूंछ का अटैक है वो डुअल डैमेज देता है, दो बार उसके हिट बॉक्सेस लगते हैं। बहुत सही, एक बार इसके दोनों हाथ टूट जाए तो इसका बैलेंस जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। एक दो तीन, बढ़िया, जल्दी से दूसरी तरफ जाऊंगा और इसको यहां पर मैं कर दूंगा टेंडराइज। बढ़िया डॉज रोल था वो, चलो यार अच्छा खासा डैमेज किया उस टाइम पे। बैरियो तो भाग रहा है अपने से, लेकिन मैं भागने दूंगा नहीं उसको। इधर आ बैरियो, पिश पिश, इधर बूम, पासा, एक बार इसको वॉल बैंक करूंगा दीवार पे। बढ़िया, और ये नाइस, अब जल्दी से उस तरफ निकलता है।
बाढ़िया। तो देख सकते हो यार कितना पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है इसका। अरे यार नहीं 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 अच्छा खासा शॉट था वो पासा। ओह एक और बार सवारी लेने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर मैं। सही टाइम पे उसने डॉज कर लिया। बहुत ही बुरा अटैक था वो। चलो एक और पार्ट ब्रेक मिल चुका है मुझे, बढ़िया। इसके सर को टेंडराइज कर दूंगा। तो यार बैनबेरो भी आ चुका है और इनके टर्फ वॉर पे मेरे को शायद थोड़ा एडवांटेज मिल सके। टर्फ वॉर नो टर्फ वॉर। अरे यार टर्फ वॉर करो मेरे से नहीं। बैरियर तो और अंदर की तरफ जा रहा है लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर चाहूँ तो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके मैं इसके ऊपर फिर से सवार हो सकता हूँ। इधर आ बैरियर। कर क्या रहा है वो? समझ गए होंगे मैं अभी क्या करने वाला हूँ। मैं इसका वेट कर रहा हूँ इधर तक आने के लिए। वो मेरे बिल्ले से लड़ रहा है शायद अब तक। खैर मुझे ही जाना पड़ेगा इसके पास। ओह अभी याद आई मेरी। बढ़िया डॉज था वो। वीक पॉइंट्स पे अटैक ज्यादा पड़ नहीं रहे मेरे। अभी पड़ेंगे अभी तो इसका सर तोड़ना है मेरे को। सर पर नहीं यार गर्दन पे लग गया।
चलो पूंछ पे फोकस करते हैं इस बार। पूरा हाल ओहो नाइस पिल्ले पूछ कर देता हूं मैं टेंडराइज। वही सेम बैरियोस वाला ही चीज मैं यूज कर रहा हूं। इसके हर पार्ट को एक एक बार मैं टेंडराइज कर दूंगा। कर देता हूं शार्पिंग जल्दी से। शायद वो प्रॉपर पूंछ पर अटैक नहीं था। बढ़िया डॉज रोल। अरे यार मिस हो गया वो शॉट। ये भी मिस हो गया। नहीं 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 बहुत बुरा हुआ ये। उसके आइस पे मैं अटक गया और उसी टाइम पे अच्छा खासा अटैक कर दिया उसने। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसका एक बहुत ही ज़्यादा बुरा मूव है कि वो अपने आइस पे फंसा लेता है और उसी के बाद वो अटैक करना शुरू करता है। एनॉइंग है बट क्या ही कर सकते। उसने वन शॉट किया मेरे को। पास अप वेरी ऑड पास अप। फिर वही वो मूव चेक करने वाला था। एक दो और ये वॉल पे। प्लीज बढ़िया बढ़िया। फ्रॉस्ट फैंग कमजोर कैप्चर करने के लिए एकदम ताजा है ये। तो चलो यार बैरियोथ लैश मिल चुका है। बैरियोथ लैश मुझे लगा फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ लैश ऐसा कुछ तो भी मिलेगा बट खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो शॉक ट्रैप्स। ट्रैंक बॉम्ब्स है शॉक ट्रैप्स है बढ़िया है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैं डुअल ब्लेड्स क्राफ्ट करूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम से डुअल ब्लेड्स से खेला नहीं हूं मैं। स्टैमिना बिल्ड है समझता हूं लेकिन एक बार क्राफ्ट करने की कोशिश तो ज़रूर करूंगा। तो चलो यार फ्रॉस्ट फैंग हो चुका है कैप्चर। और यहां पर देखना फ्रॉस्ट फैंग को कैप्चर करने के बाद मटीरियल्स तो मिलेंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा आइटम मिलता है यहां पर मुझे। हड्डियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ तब तक। फ्रॉस्ट क्राफ्ट यार बहुत सही चीज़ है। ये फ्रॉस्ट क्राफ्ट में ग्रेट सॉर्ड का जो डैमेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हो यार फ्रॉस्ट फैंग टिकट। तो तीन टिकटें हैं मेरे पास यानी कि मैं तीन तरह के वेपन आराम से क्राफ्ट कर सकता हूँ। चलो इन सबको कर लेते कलेक्ट। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ फ्रॉस्ट फैंग का जो टिकट है वो किस तरह का वेपन दे सकता है। बेसिकली ये है कि डायरेक्ट ही वेपन क्राफ्ट हो जाएगा एंड लेवल का और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत फिर नहीं है।
फुल इक्विपमेंट में जाऊंगा, आर्मर नहीं सॉरी वेपन में जाऊंगा। तो सबसे पहले तो लॉन्ग स्वॉर्ड क्राफ्ट करूंगा मैं, और यहाँ पर देख सकते हो यार फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ ट्री है यहाँ पे, और देख सकते हो लॉन्ग स्वॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, उसके लिए 3 फ्रॉस्ट फैंग टिकट चाहिए, तीनों के तीनों एक साथ यूज़ कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और ये फ्रॉस्ट फैंग टिकट क्राफ्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्राफ्ट करना है अरे यार मैं डुअल ब्लेड्स क्राफ्ट करने वाला था। चलो देखते हैं, 3 फ्रॉस्ट फैंग और सिल्वर वाइट फ्रॉस्ट फैंग। ठीक है, एक बार फिर से फ्रॉस्ट फैंग को हंट करते हैं, हंट मज़ेदार था तो एक बार फिर से कोशिश करूँगा। पोस्ट न्यू क्वेस्ट इवेंट्स लास्ट वाइट नाइट, सेम कैंप में जाऊंगा, जाने से पहले कर लूंगा एक बार मील और अपने आइटम्स को फिर से मैं कर लूंगा रीस्टॉक। कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पे, शॉक ट्रैप्स राइट, और यहाँ पर शायद मेरे पास मिसिंग है मेगा पोशंस शायद से, हनी तो है, पोशंस भी है, मेगा पोशंस मिसिंग है तो क्राफ्ट कर लेते हैं पहले। तो मेगा पोशंस हो चुके हैं क्राफ्ट, डेकोरेशन देख लेता हूँ, हेल्थ बूस्ट इवेंट विंडो ठीक है, सब सही लग रहा है। तो चलो चल लेते हैं एंजनाथ नहीं क्या नाम था उसका, फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ की बजाने। कभी भी यार फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ से जब लड़ाई होती है तब कोशिश करनी चाहिए कि उसको मारने से बेटर है कि हमेशा कैप्चर ही करें, क्योंकि फ्रॉस्ट फैंग के जो रिवॉर्ड्स है उसको मिस नहीं किया जा सकता। यहीं पर है फ्रॉस्ट फैंग, पत्थर मारूंगा मैं दीवार पे तो फ्रॉस्ट फैंग जैसे ही दीवार की तरफ आएगा। एक स्लैब और ये बॉल बैक, दूसरे हाथ को भी, अरे यार बहुत ही बुरा था वो, दूर चले जाते हैं, यहां पर मैं कॉर्नर हो जाऊंगा आराम से। बहुत सही, थैंक्स बिल्ले। यार इसके टच करने से ही देखो कितना ज्यादा डैमेज जा रहा है। ओके फ्रॉस्ट फैंग किस तरफ, अरे उड़ जा बिल्ले। एक और बार, बहुत सही, एक ट्रू चार्ज स्लैश प्लीज, बहुत सही। अरे यार सही टाइम पे डॉज रोल नहीं किया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं,
दिक्कत तो होने ही वाली है। बहुत सही, वहां पर कैसे अटका मुझे समझ नहीं आया मैं। अरे यार बचाना चाहिए था वो विगर बॉस। यार कोई नहीं, अरे यार नहीं 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 इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं। यार वो किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी मेरी। चलो एक हाथ तो टेंडराइज हो चुका है। नहीं 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 बच गया उस अटैक से। बस एक चार स्लैश, नहीं अभी तक नहीं टूटा उसका हाथ। बहुत सही, बहुत सही यार, ऐसे कैसे यार, इसी टाइम पे इसको पैरालाइज होना था। एक हाथ में तोड़ सकता हूँ, बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत सही, ओहो एक और बार पैरालाइज, अच्छा मौका है। एकदम एज पे खड़ा हूँ मैं, लेकिन गिरूंगा नहीं। गेम का ये मैकेनिक मेरे को बहुत सही लगता है। हंटर अपना जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। ओके फ्रॉस्टफैंग, तेरे को एक बार फिर से स्टन करना है मेरे को। बहुत सही, एक माइट सीड ले लूंगा मैं, ताकि फुल स्टैमिना में डैमेज थोड़ा बरकरार रहे। ओके सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। गया मैं, बहुत सही। Yeah.
जल्दी से वीगर वॉश ले लेता हूँ। ओहो बच गया मैं। इबो नहीं ओडोगे रोन यहाँ पे। अरे भाई इन दोनों के बीच में टर्फ वॉर होएगा क्या? ओहो नाइस। बहुत सही बहुत सही। बैरियोद भाग रहा है, मजे की बात है यार। मुझे लगा ये वो नहीं और वो जरूर भागने वाला होगा। लगता है बराबरी के ओपोनेंट्स है। खैर कोई दिक्कत नहीं। रोल करने तक का मौका नहीं दिया। ये कैसे यार? बढ़िया, एक और बार वो अपना रॉकेट लॉन्चर वाला मूव मारने वाला था लेकिन रोक लिया मैंने। बढ़िया, एक और बार मैं उसको बॉल बैंक दे सकता हूँ। नहीं बहुत सही, दोनों हाथ टूट चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। करेक्ट, दोनों हाथ टूट चुके हैं। और ये वॉल बैंक, बहुत सही। दहाड़ने ही नहीं दिया मैंने उसको। नहीं यार, नहीं यार, नहीं 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 नहीं। ओहो धन्यवाद बिल्ले। अच्छी कोशिश थी बैरी और शॉट। पूंछ को कर देता हूं टेंडराइज। अरे यार मिस हो गया, ये मिस नहीं होगा। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं उस टाइम पे। खैर कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार चार्ज नहीं करना चाहिए था मुझे, वहीं पर शॉट दे देना चाहिए था। एक और बार बहुत सही।
टेक। एक और बार टेंडराइज। ओके, ऐसा लग रहा है वो फिर से उसका एग्रो खत्म हो चुका है, तो उसको मैं वॉल बैंक दे सकता हूँ। इधर मुड़। नाइस। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही, बहुत सही। अभी भी उसमें दम है, काफी ज्यादा दम है। थैंक्स बिल्ले। अभी उसका दम खत्म। अरे कैसे यार इतनी देर तक। तो चलो यार, एक और फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ अभी कैप्चर होने वाला है। होपफुली इनफ मटेरियल हो मेरे पास कि डुअल ब्लेड्स क्राफ्ट कर सकूं। इसका ग्रेट स्वॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है वैसे कहूँ तो, लेकिन ग्रेट स्वॉर्ड अभी मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, कि ग्रेट स्वॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास वेलकाना का है। ओके, सब कुछ है मेरे पास। नाइस। ट्रैंक बॉम्ब्स भी है, शॉक ट्रैप भी है। इसके अंडर आर्म्स में घुस के ट्रैंक बॉम्ब्स और फ्रॉस्ट फैंग कब्जे में। नाइस। फ्रॉस्ट फैंग का हंट टेस्ट ऑफ पेशेंस है कह सकते हो, कि कितना ज़्यादा विंडो देखकर उस पर अटैक किया जा सकता है। बहुत कम विंडोज़ रहते हैं फ्रॉस्ट फैंग के यूजुअली, और पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओहो, देख सकते हो यार मटेरियल ही मटेरियल। एक, अरे यार सिर्फ दो फ्रॉस्ट फैंग टिकट। खैर कोई दिक्कत नहीं। होप कर रहा था एक और फ्रॉस्ट फैंग टिकट मिल जाए, बट शायद एक और बार फ्रॉस्ट फैंग को हंट करना पड़े इस चीज के लिए। देखते हैं डुअल ब्लेड्स के लिए कितने टिकट चाहिए। आई गेस सभी के लिए तीन तीन ही टिकट चाहिए। फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स, डुअल ब्लेड्स, सिल्वर वाइट फ्रॉस्ट फैंग, फ्रॉस्ट फैंग टिकट ऑफकोर्स। खैर एक बार आर्मर में भी देख लेता हूँ फ्रॉस्ट फैंग का क्या क्या आर्मर है। फ्रॉस्ट फैंग वेरियोथ, क्रिटिकल आय, अटैक बूस्ट, क्रिटिकल आय, क्विक शीट। तो यार तीन लेवल ऑफ अटैक बूस्ट मिल रहा है मुझे फ्रॉस्ट फैंग के चेस्ट पीस से, और क्रिटिकल आय दो लेवल मेरे को मिल रहा है। पनिशिंग ड्रॉ मेरे को एक मिलता है। पनिशिंग ड्रॉ क्या है? फ्रॉस्ट फैंग एब्सोल्यूट आर्ट, जो सिर्फ एक पीस से मेरे को मिलता है। एड स्टन इफेक्ट टू ड्रॉ अटैक्स। हा, यानी कि मैं खींच के जो भी अटैक लगाऊंगा, जैसे ही मैं कोई भी वेपन ड्रॉ करके अटैक लगाता हूँ, उसमें क्रिटिकल हिट जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रेट स्वॉर्ड के लिए अच्छा है कि ग्रेट स्वॉर्ड मैक्सिमम टाइम शीथ्ड रहता है। तो यार बनता तो है इसको क्राफ्ट करना, तो सबसे बेस्ट कौन सा क्राफ्ट करने के लिए वो देख लेते हैं। लेग्स में डिफेंस 162 है, दो फोर लेवल स्लॉट्स है जो कि बहुत ही सही चीज़ है। क्रिटिकल आय मिल रहा है फ्रॉस्ट फैंग के हैंड्स में, और दो लेवल फोर स्लॉट्स मिल रहे हैं। चेस्ट पीस में अटैक बूस्ट मिल रहा है, लेकिन स्लॉट्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्रिटिकल आय ही उठा लूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो क्रिटिकल आय में अपने को क्या मिल रहा है। अफिनिटी 10% मिल रही है, तो एंजनाथ का जो स्वॉर्ड है वो बेसिकली कम अफिनिटी देता है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी फ्रॉस्ट फैंग हैंड ही क्राफ्ट कर लूँ। इक्विप, यस,
ठीक है, वेलकाना और इसका बैलेंस करने का देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चेंज इक्विपमेंट में जाऊंगा और राइम गार्ड हेड पीस भी मैं सोच रहा हूँ वेलकाना का ही लगा लूँ। ठीक है, और अभी मेरे पास क्या है, अभी डेकोरेशंस में मेरे पास ईवेड विंडो जो है वो कम हो चुका है, तो एक बार सारे डेकोरेशन हटाऊंगा मैं और देखूंगा इवेजन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, ईवेड विंडो मेरे पास है ही नहीं अभी, तो ईवेड विंडो देखते हैं। डिस्ट्रॉयर इवेजन, पार्ट ब्रेकर मिल रहा है मेरे को, बहुत सही चीज़ है। और रिफ्रेश इवेजन, सैटिएटेड इवेजन ये लगा लेता हूँ। और क्या है, लेवल 2 में मेरे को मिल सकता है कुछ इवेजन, ये देख सकते हो यहाँ पर है, तो ये लगा लूँगा मैं। ईवेड विंडो 3 है, एक और ईवेड विंडो चाहिए बस मुझे, क्योंकि 4 ईवेड विंडो बहुत होते हैं यूजुअली। रिफ्रेश फोर्टिट्यूड, सैटिएटेड, मुझे लगता है कि रिफ्रेश ही लगा देता हूँ अभी, तो वही है बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा हेल्थ बूस्ट, यहाँ पर भी हेल्थ बूस्ट से कुछ लेना है। चार्जर, फोकस लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर, चार्जर वाइटैलिटी लगा देता हूँ। हेल्थ बूस्ट लेवल 2 हो चुकी है अभी। विंड रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक और लेवल 1 वाइटैलिटी लगा दूंगा। और अभी मेरे को और क्या चाहिए, फोकस है, हेल्थ बूस्ट है, इवेजन विंडो है। अभी मैं देखता हूँ कि स्टन रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास कुछ है कि नहीं। स्टेडफीस्ट लेवल 1 है, इसको यूज़ करूँगा मैं, तो अभी स्टन होगा ही नहीं मैं चाहे किसी से भी लड़ लूँ। रिकवरी लगा सकता हूँ, या फिर इसमें रिकवरी की जगह कभी कभी क्या कहते हैं, वार्मिंग ज्वेल भी लगा सकता हूँ, लेकिन ठीक है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट ज्वेल एक और लगा देता हूँ, क्रिटिकल आई लेवल 4 मिल जा रहा है मेरे को, जो अफिनिटी बढ़ा रहा है 20% तक, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव, फ्रॉस्टक्राफ्ट में ही मैं ओवरराइड कर दूंगा। ओके, नाइस, प्रोग्रेशन अच्छा जा रहा है। एडमिरल का दूसरा असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर ग्राइंडिंग लैंड्स में देख सकता हूँ कोई और कर रहा है कि नहीं। जॉइन, SOS प्लेयर कभी मिलते ही नहीं यार ग्राइंडिंग लैंड में, या फिर किसी और के 2-3 क्वेस्ट ज्वाइन करके देखते हैं, कोई अगर फ्रॉस्ट फैंग कर रहा होगा तो अच्छी बात है। डे ऑफ द रुइन, लास्ट वाइट नाइट, ऑफ कोर्स। चलो यार एक और फ्रॉस्ट फैंग का कर ही लेते तब तक। चेंज इक्विपमेंट, सेट डेकोरेशंस, और इसमें स्टेडफीस्ट, एक्सपर्ट की जगह मैं डालूंगा वार्मिंग ज्वेल, नाइस। ओके, चल लेते हैं फ्रॉस्ट फैंग के इस पे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं मील करूंगा। लगातार 3 फ्रॉस्ट फैंग के क्वेस्ट यार, फ्रॉस्ट फैंग की ग्राइंडिंग बढ़िया चल रही है आज, और मॉन्स्टर भी नया है तो बनता तो है। बस दिक्कत यह है, जो बंदा क्वेस्ट कर रहा है वो ना मर जाए बस, अगर वो मर गया तो बस खत्म है। और इंसेक्ट ग्लेव, फ्रॉस्ट फैंग का तो नहीं पता, बट बैरियोथ के लिए इंसेक्ट ग्लेव यूजुअली काफ़ी अच्छा मैचअप रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे विंडोज मिलते हैं बैरियोथ को हिट करने के लिए। और जितना मेरे को लगता है इस बंदे के पास पैरालिसिस वाला क्या कहते हैं, पैरालिसिस वाला इंसेक्ट ग्लेव है। ऑफकोर्स मेरे को ही सबसे पहले हिट पड़ना था, लगी इसको
भैया, दूसरे को टेंडराइज कर। होपफुली वो रैंडम बंदा दूसरा हाथ भी टेंडराइज कर रहा होगा, लेकिन शायद उसने किया नहीं। अरे यार कैसे, मैं एकदम साइड पे था। बिल्ले धन्यवाद। बढ़िया शॉट। गलत टाइम पे मारा बंदे ने। तो देखा यार कैसे एकदम उस टाइम पे पेशेंस रखना जरूरी था। ये गया, ये गया। मेरे पास अभी इसको हीलिंग देने के लिए भी कुछ ज्यादा है नहीं। अरे नहीं, अब मैं गया। बहुत सही। नलबेरीज होंगे मेरे पास। नलबेरीज प्लीज, नलबेरीज, नलबेरीज है। नाइस। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत सही। ओके, इसको एक बार मैं अगर वॉल बैंक दे दूं तो इस पर एक अच्छा सा ट्रू चार्ज अटैक कर सकता हूं, लेकिन वॉल बैंक अभी दे नहीं सकता मैं। नहीं यार नहीं, गलत टाइमिंग। बस वो खत्म। एक और बार और उसके बाद वॉल बैंक। नाइस, परफेक्ट। इस बंदे को लगता है अलग से बोलना पड़ेगा ब्रेक इट्स विंग्स करके। नहीं, मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया। बहुत सही। एक पार्ट ब्रेक प्लीज। नहीं यार, पार्ट ब्रेक नहीं मिला। नलबेरीज भी नहीं है मेरे पास।
ओहो नाइस, एक पार्ट ब्रेक मिल गया मेरे को। दूसरा पार्ट ब्रेक में मिल गया, नाइस। पैरी और अटक गया था, शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा। नहीं यार, ऐसी जगहों पर फंसना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार और, अरे यार गलत टाइम पे फंसा मैं, गलत टाइम पे फंसा मैं। पूछ नहीं कटी, अरे यार कैसे नहीं कटी। एक और बार उसको बॉल बैंक दे सकता हूं मैं। क्या बैकफ्लिप था वो। बिल्ले ने बैकफ्लिप मारा, बहुत सही। नाइस, चार स्लैश, नाइस। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा वो जो दूसरा बंदा है वो आइस वाला वेपन लेकर क्यों आया है। ओके, बैरियोथ निकल रहे हैं यहां से। नाइस, बैरियोथ लास्ट मिल चुका है मेरे को और अभी चलना है बैरियोथ के पीछे। वो नहीं, ओडोगेरो नहीं यहाँ पर है लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ करेगा वो। यूजुअली थोड़े से डोसाइल होते ये। क्यों भाई नीचे क्यों? यार जब तक डैमेज दे सकता था दिया। नाइस, नहीं 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 नहीं, वो सही नहीं हुआ। ये बुरा हुआ, उम्मीद नहीं थी मुझे कि वन शॉट पढ़ूंगा मैं, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। बंदा बोल रहा है लेट्स कैप्चर दिस थिंग, इसका मतलब यह है कि कमजोर पड़ चुका है वो फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ।
और मेरे पास ट्रैप टूल्स वगैरह है। और उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर दिया। नाइस। इनके साथ मजे करूंगा। तो यार इसे कहते हैं फ्रेंडली फायर। ग्रेट शॉट से कभी कभी खुद ही के क्या कहते हैं, खुद ही के टीममेट्स को ऐसे डिसमेंटल कर सकते हैं। खैर, एक ही फ्रॉस्ट फैंग बैरियर टिकट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हार्वेस्ट देखते कितना हुआ है, अच्छा खासा ही है। टेक ऑल कर लेता हूँ मैं, कल्टीवेट में जाके देखता हूँ एक्साइट श्रूम है कि नहीं, और एक्साइट श्रूम यहाँ पर आ चुका है। तो चलो इसको एक थंडर बग की जगह पर लगा देते हैं। और सबसे पहले मैं जाऊँगा स्मिथी के पास, देखूँगा कि अपना करंट आर्मर मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं। किंग आर्मर स्पियर्स, ओके। खैर 170 हो चुका है, लेकिन 154 है, 154, 154। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस जो मेरे पास है वो बेसिकली फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ के क्लॉज का है। तो क्लॉज का डिफेंस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना है। 162 डिफेंस है इसका। तो एक काम करता हूँ, सबको 162 पर ही लेके आता हूँ। 158, 162। Okay. 164, चलो ये भी ठीक है। वन सिक्सटी एट हो गया, ये तो इतना नहीं चाहिए। 166, 160, 162, ये परफेक्ट है। वन सिक्सटी टू, नाइस। अब मेरे को मतलब इतना ओसीडी नहीं है कि मैं सबको 162 के बराबर ही लेकर आऊँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक कंसिस्टेंट डिफेंस रहे मेरे पास। 166, 164, 162, ओके। नाइस। ठीक है, उत्तर डिफेंस काफी है। एक दो और मैं तुम्हें इवेंट क्वेस्ट वगैरह दिखाता हूँ, पता नहीं वो अनलॉक हुए होंगे या नहीं। पोस्ट न्यू क्वेस्ट इवेंट्स, हाँ, ब्रांड न्यू ब्रूट। तो यार ब्रांड न्यू ब्रूट बेसिकली क्या है ना, एक नए तरीके का टाइग्रेक्स है, ठीक है। और बेसिकली ये जो टाइग्रेक्स है, ये जो ये इसको क्रेव करने पर इसके पार्ट्स नहीं मिलते बल्कि आर्मर स्पीयर्स मिलते हैं। सही बता रहा हूँ। तो एक बार देख लेते इस टाइग्रेस को भी एक बार, और फिर आगे का देखते हैं। चेंज इक्विपमेंट, टाइग्रेक्स की कमज़ोरी मुझे पता नहीं है। तो एक काम करता हूँ, स्टैंडर्ड इंसेक्ट ग्लेव ही उठाकर चलता हूँ। स्टैंडर्ड इंसेक्ट ग्लेव नहीं, टाइग्रेस के लिए लॉन्ग स्वॉर्ड ही बेस्ट है। एक काम करते,
फ्रॉस्टक्राफ्ट लॉन्गसोर्ड यूज़ करूँगा मैं, और सबसे ज़्यादा डैमेज वाला 891, ओके 825, 891। तो चलो आइस एलिमेंट का ही लॉन्गसोर्ड यूज़ करता हूँ, डेकोरेशंस भी सेट कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक ही लग रहा है वैसे लॉन्गसोर्ड के लिए तो। इनफैक्ट लॉन्गसोर्ड के लिए थोड़ा आई गेस बेटर ही है ये, झूठ नहीं बोलूँगा, पार्ट ब्रेकर वगैरह है, सब कुछ है। तो ठीक है, चलते हैं पहले मील करने, उसके बाद टाइग्रेक्स को हंट करने चलते हैं, ब्रूट टाइग्रेक्स को मेरा मतलब। और चलने से पहले एक बार चीफ इकोलॉजिकल रिसर्च के पास रिपोर्ट कर देता हूँ। रिसर्च लेवल बढ़ चुके हैं और चल लेते हैं अपने क्वेस्ट पे। तो यार मैं ये तुम्हें बता दूं कि ब्रूट टाइग्रेक्स का जो मूव सेट है वो बहुत 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 ज़्यादा बुरा रहता है, नॉर्मल टाइग्रेक्स से तो बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। इसकी जो दहाड़ होती है ना वही काफ़ी होती है, लाइफ कम कर देती है इसकी दहाड़। और शायद से मुझे दो बार इसको टेंडराइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं शेवर ज्वेल अपने साथ लाया नहीं हूँ। कॉम्बो देख ही सकते हो यार कितना बुरा दहाड़ है इसका। अरे यार गलत जगह पे था मैं। पूछ पे दे मारा है, ये देखो यार एक दहाड़ से हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। ओहो सही टाइम पे मैंने किया। इस वाले मूव से बच के रहना है इसके, जो ये चारों तरफ ही मतलब दहाड़ने लगता है। अरे यार काफी दूर था मैं, बहुत बुरा था वो, बहुत ज्यादा बुरा था वो।
हेल्थ बिल्कुल नहीं है मेरे पास, हेल्थ बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बढ़िया, एक और बार उसके हाथ को। कैसे हुआ? ओहो नाइस बिल्ले। बढ़िया, गलत टाइम को सही। थोड़ा एक्साइट हो रहा हूं मैं, थोड़ा शांत होना पड़ेगा मुझे। कोशिश करूंगा इसके उसी हाथ में वार करूं मैं, क्योंकि वो हाथ अभी कमज़ोर है और मुझे पार्ट ब्रेक भी अभी तक नहीं आया है। जल्दी से कर लेता हूँ शार्पन। एक बार ये इस तरफ मुड़े, उसके बाद मैं इसको फिर से वॉल बैन करूंगा। अरे यार, बढ़िया, पूंछ पे वार करने का टाइम है। कॉम्बो कंप्लीट। गलत टाइम पे फुट साइड, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, एटलीस्ट हेल्म ब्रेकर लैंड किया, वो मैटर करता है। हाँ
चलो यार पूंछ भी कट चुकी है इसकी और पूंछ से ऐसा लगता है अच्छा लूट मिलने वाला है। कॉम्बो एटलीस्ट कंप्लीट हुआ। कर लेता हूं तब तक खुद को। अच्छे खासे मटेरियल्स मिल रहे मेरे को यहाँ पे। नाइस, बढ़िया लाइफ स्पिरिट स्लैश था वो। एक बार बस दीवार के पास गया। अरे इसका सबसे खतरनाक अटैक थ्री सिक्सटी डिग्री जो दहाड़ता है वो। एक दो तीन और ये वॉल। नाइस, हेड पे वार करना है मुझे। बढ़िया कैप्चर करने निकला था, ख़त्म ही कर दिया मैंने। खैर कोई दिक्कत नहीं, गलती से कभी कभी किसी की जान लेनी पड़ती है। किंग आर्मर स्पीयर मिला है, अच्छी बात है। एक और तरह का भी आर्मर स्पीयर होता है गेम में जो किंग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। होपफुली यहाँ पर वो मिल सके। देख सकते हो यार किंग आर्मर स्पीयर लगे पड़े हैं यहाँ पे। इसको कैप्चर करने पे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने थे मेरे को, बट खैर कैप्चर कर नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे दो तरह के इवेंट क्वेस्ट, एक तो आर्मर फार्मिंग के लिए और जो दूसरा इवेंट क्वेस्ट था वो था फ्रॉस्टफैंग बैरियर का, जिससे नए तरीके के मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं। हरीना भी उन्होंने कितना सोच समझ कर बनाया यार, कोई जा ही नहीं सकता यहां से। नाइस। इसकी बात कर रहा था मैं। देख सकते हो यार ट्रू आर्मर स्पीयर करके एक है, बहुत ही ज्यादा पोटेंट रहता है, बहुत ज्यादा डिफेंस बढ़ा देता है ये। यानी कि एक बार अगर मैं ट्रू आर्मर स्पीयर यूज़ करूँ तो हो सकता है कि एक आर्मर का डिफेंस पूरा फुल हो जाए एक ही बार पे, इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है। खैर वो हो गया एक और इवेंट क्वेस्ट। देखते और किसी ने कुछ पोस्ट किया हो कि नहीं। बैरलेट ऑफ फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, ये ऑप्शन में जाके देखते हैं। सब कंप्लीट कर चुका हूँ मैं तो यार, वापस अभी ग्राइंडिंग लैंड्स पे जाना पड़ेगा फिर से। लेकिन उससे पहले एक बार मैं स्मिथी के पास चेक करना चाहूँगा। 4G इक्विपमेंट देखते हैं, फ्रॉस्ट फैंग के लिए कुछ और खुला कि नहीं। वही सेम रिक्वायरमेंट्स है। खैर उसको छोड़ते हैं, चल लेते हैं अभी ग्राइंडिंग लैंड्स पे। और क्योंकि अभी एक्साइट श्रूम अपने पास आ चुका है तो मुझे लगता है मैं फारकास्टर वगैरह बना सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं मैनेज आइटम में जाऊँ, लोड आउट में जाऊँ, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसी में मैं क्या करूँगा ना, फारकास्टर भी डाल दूँगा। क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊँगा, देखूँगा फारकास्टर कहाँ पर है। फारकास्टर है ही नहीं क्या? ये है फारकास्टर, देख सकते हो। एक्साइट रूम अभी अभी तो क्राफ्ट किया था, मिले क्यों नहीं मेरे।
एक सेकेंड, एक्साइट रूम शायद मैंने लगाया था सिर्फ क्राफ्टिंग के लिए, मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था उसको। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक कॉल कर लेता हूँ और कल्टीवेशन में एक और एक्साइट रूम डाल देता हूँ मैं। तो यार चलो चल लेते ग्राइंडिंग लैंड्स पे, पहले तो देखते हैं ज्वाइन करने के लिए कोई है कि नहीं। हाँ एक और चीज़ ये मैं बताना भूल गया कि ग्राइंडिंग लैंड्स के लिए मैं चाहूँ तो सर्वर को फिल्टर भी कर सकता हूँ। ऑनलाइन सेशंस में जाऊँगा, सर्च फॉर ऑनलाइन सेशंस, मैच मेक नहीं, फिल्टर सर्च में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ग्राइंडिंग लैंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, गाइडिंग लैंड एक्सपेडिशंस। ठीक है कंफर्म अगर करूँगा तो देखो एक बंदा है, तो है चाइनीज़ लेकिन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या ही फर्क पड़ता है ज्वाइन करने से। ओके होपफुली अगर ये बंदा ग्राइंडिंग लैंड्स की क्वेस्ट कर रहा होगा तो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। SOS नहीं है, अवेलेबल पे देखता हूँ। ओके अवेलेबल है, मेरा मास्टर रैंक इतना ज़्यादा है ही नहीं, वो 104 पे बैठा हुआ है। खैर चलो कर लेता हूँ डिपार्ट। पूके पूके है, ग्रेट गिरोज है, टिट्जियाकु है। ग्रेट गिरोज को मारने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वाइल्ड स्पायर वे इससे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें अनलॉक होती नहीं है। जब मैं बोलता हूँ अच्छी चीज़ें इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो अनलॉक नहीं हो पाते वाइल्ड स्पायर वेस से। गाइडिंग लैंड्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो अनलॉक होते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट और कोरल हाईलैंड्स के एरिया से। तो वही तो मैं आपसे जिनको मुझे सबसे पहले लेवल अप करना है, एटलीस्ट लेवल 6 तक तो लेकर ही आना यार, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरे को कोरल हाईलैंड से कुछ मिला ही नहीं अभी तक। ओके यहाँ आ चुका हूँ मैं, शेफ चॉइस प्लेटर सही है। नाइस ओके चल लेते पूके पूके को ढूंढने क्योंकि वही एक है जो यहाँ पर अभी मारने लायक है। पूके पूके मुझे नहीं लगता एंशिएंट फॉरेस्ट में, पक्के से वो वाइल्ड स्पायर वेस पे होगा, तो फिर तो वही निकल लेते। पूके पूके का जहर सामने ही है एकदम, ये रहा। बहुत सही, यही है फ्रॉस्टक्राफ्ट ग्रेट शॉट का कमाल, लाइफ स्पिरिट स्लैश के लिए ही बनाया। चीजों को उठा लेता हूं मैं, गलत टाइम पे लग गया डाई स्पिरिट फ्लैश।
तो यार फ्रॉस्टक्राफ्ट जो है वो पहले ही जब फुल लेवल पे होता है तब एटलीस्ट 40% का तो डैमेज बूस्ट देता ही है। तो समझ ही सकते हो कितना पोटेंट हो सकता है ये। पहले तो मटेरियल्स कलेक्ट कर देता हूँ इसके। बुरी टाइमिंग थी। यही मूव इसका मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सबसे पहले तो वो जहर फेंकता है, इसके बाद हाक के अटैक करता है। कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉस्टक्राफ्ट चार्ज कर लेता हूँ पहले। शार्पनेस भी जल्दी ही खत्म हो रही है। तो यार पुके पुके हो चुके हैं कमज़ोर, तो मौका रहते ही इसको मैं कैप्चर कर लूँगा। और मैं तुम्हें बता दूँ कैप्चर के रिवॉर्ड्स जो होते हैं ना वो हंटिंग रिवॉर्ड से तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देख रहे हो वाइल्ड फायर वेस्ट का जो रीजन लेवल है वो अप हो चुका है, 1 से 2 हो चुका है, राइट। तो इसी तरीके से रीजन लेवल, ओहो देखो जरा कौन आए यहाँ पे। तो यार अगर ये आ गया तो अपने लिए तो खुशी की खबर है, क्योंकि इसको तो मेरे को कैप्चर करना ही है। तो शॉक ट्रैप मैं इसलिए नहीं लगा पा रहा क्योंकि पुके पुके के पास अभी शॉक ट्रैप है। तो ये जो बंदा है ये कोरल हाइलैंड्स के रीजन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर मैं इसको 4-5 बार ऐसे शॉक ट्रैप डाल सकूं तो इसका मतलब ये होगा कि कोरल हाइलैंड्स के रीजन को मैं बहुत जल्दी जल्दी से अपग्रेड कर पाऊँगा। एक ही तरीका है कि मैं वेट करूं पुके पुके के डीस्पॉन होने का, नहीं तो मैं अभी देख ही सकते हो शॉक ट्रैप डाल ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो तब तक इससे लड़ ही लेता हूं, क्या ही दिक्कत है। अरे यार इसके मूव्स पता ही नहीं चल रहे।
वो इस इंतजार में है कि मैं कब मारूंगा, मैं इस इंतजार में हूँ कि वो कब मारेगा। बढ़िया, तो ये देखो यार, शॉक ट्रैप हो चुका है ये अभी। ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स एक बार में मिलते हैं शॉक ट्रैप से इसको करने में। एक और बार, ओके, क्राफ्टिंग मटेरियल्स खत्म है मेरे पास। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैं स्टन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टन रेजिस्टेंस फुल था मेरे पास। अरे यार, क्या हो रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक पियर्सिंग कॉर्ड मारूंगा और इसको करूंगा मैं वॉल बैक। नाइस, और एक कोरल फूके फूके भी है यार यहाँ पे। के भी मटेरियल उठा लेता हूं। ओके, फिर से ठीक है। एक बार मैं जाके आता हूँ अपने कैंप के पास से। फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, बहुत सही। मैं कैंप के पास इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं शॉक ट्रैप्स वगैरह जो है अपने वापस से भर सकूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ तक वापस आने में, होपफुली। ओके, चेंज आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम्स। तो ऑलरेडी लोड आउट बना हुआ है मेरे पास, वही लेकर के चल दूंगा। आई गेस यही रास्ता था। हाँ यही रास्ता है, आगे से नीचे की तरफ। नाइस, तो बेसिकली तीन बार मैं शॉक ट्रैप्स डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं यार, कोरल भूखे भूखे है। पानी में शॉक ट्रैप नहीं डाल सकता मैं, तो टिट्ज़िया को ही फंसाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर। बढ़िया, चलो अच्छा है। उस पर शॉट लगा एटलीस्ट, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी उस चीज़ की।
तो यार कोरल हाईलैंड मेरे को लगता है एटलीस्ट मैं 2 लेवल तक तो आराम से बढ़ा सकता हूँ इसी में। इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए मैं टिट्सी आपको के पास ही जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि फालतू में डबल डबल मारते मारते एक का लेवल कम हो जाए। यहाँ पर छुप जाऊँगा ताकि मिनी मैप में जो रेड कलर का गेज है वो ख़त्म हो जाए। ओके टिट्जी आपको पीछे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। ओके टिट्जिया को कमज़ोर हो चुका है, नाइस। तो मैं सेफली कैंप तक लौट सकता हूँ और कैंप पे लौटते ही सबसे पहले तो मैं अपने सोर्सेस वगैरह फिर से भर लूँगा। सोर्सेस भरना ही क्या है, मैनेज लोड आउट्स में जाकर के लोड आउट ही चेंज करना है। ठीक है, ये हो चुका है, अब बस उसको कैप्चर करना है। तो यार मुझे अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जो दूसरा कैंप मैंने ढूंढा था लास्ट वाले एपिसोड पे शायद, उसको अनलॉक करना ज़रूरी है क्योंकि वो जो कैंप है वो सबसे पास है यहाँ के, मतलब कोरल हाईलैंड के सबसे पास वाला कैंप वही है। तो अगर मैं उसको अनलॉक नहीं करूँगा तो अफेक्ट करने वाला है कैप्चरिंग स्पीड वगैरह जो है। चलो उसको सोने के लिए जाने देते हैं, तब तक मैं माइनिंग वगैरह कर लूँगा। ओके ओके वो सो चुका है, नाइस। टिट्जिया को भी कैप्चर हो चुका है, बढ़िया। बर्ड वाइवन स्पेशल ट्रैक्स, नाइस। लेवल्स देख लेते एक बार, तो यहाँ पर देख सकते हो कोरल हाईलैंड का लेवल जो है काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। तो एक बार फिर से मैं चलूँगा यहाँ नहीं कैंप तक। और एक बार कैंप तक पहुँच जाऊँ बस चीज़ें एक बार फिर से रीस्टॉक कर लूँगा। नाइस ओके तो इस बार अपना टारगेट है कोरल पुके पुके, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको पहुँचते पहुँचते जो शॉक ट्रैप है वो देखो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक शॉक ट्रैप लगा हुआ है। तो दूसरा शॉक ट्रैप लगाते लगाते थोड़ा एक ब्रेक रहता है, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है दूसरे शॉक ट्रैप को डी स्पॉन होने में। हर्ब्स वगैरह है यहाँ पे,
उठा लेता हूँ मैं, वैसे ही पोशंस की कमी है मेरे पास। ओके यार, कोरल पुकेप को मिल चुका है। बहुत बुरा था वो। मुझे लगा था मैंने सही टाइम पे सुसाइड किया, मैंने सुसाइड सही टाइम पे किया था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। ये शॉट यार इसका सबसे बुरा लगता है मेरे को। एक बार इसको यार नहीं। ओके शॉट ट्रैप रेडी है, तो इसको मारना बंद करता हूँ मैं सबसे पहले तो। बढ़िया, पास में आ। यार इतने पास है वो, शॉक ट्रैप पर लैंड नहीं किया। बहुत सही, नाइस। एक और बार, जब तक ये शॉक ट्रैप पे फंसे रहता है मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। होपफुली हाइडिंग से इसके क्वेश्चन मार्क आ जाए और होपफुली मैं कैंप तक फिर से वापस जा सकूँ। गिली मेंटली सही, चलो गिली मेंटल प्लस हाइडिंग। यार इस टाइम पे तो पूरा शक जो है वो खत्म हो ही जाना चाहिए। अभी भी वो सूंघ सकता है मुझे शायद। खैर कोई नहीं, थोड़ा आगे निकल जाते हैं। शायद डिस्टेंस बनाने पर एग्रो जो है मेरे पे वो खत्म हो जाएगा, होपफुली। पता नहीं है मेरे को सही से। नाइस, यार अभी तक उसका एग्रो खत्म नहीं हुआ है मेरे पे, बड़ा अजीब बात है। बट ठीक है, यू कैन नॉट फास्ट ट्रेवल ड्यूरिंग ए कॉम्बैट। कॉम्बैट में मैं हुई नहीं यार, रुके बुके मुझे ढूंढ रहा है अभी तक। नाइस, कॉम्बैट खत्म हो चुका है। चलते हैं एक बार कैंप पे, रिसोर्सेस रीलोड करूंगा, फिर से आऊंगा। नाइस, ओके फिर से चलते पुके पुके के पास, फिर से इसको तीन चार बार ट्रैप पे फंसाएंगे। हाँ एक और चीज़ भी है कि
मॉन्स्टर्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स वगैरह भी अगर मैं कलेक्ट करूँ तो उस रीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो वाली बेवकूफ़ी करी कि मैंने फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट किए नहीं सही से। चलो ये भी हो गया। थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं जहाँ पर मुझे यहाँ का कैंप मिला था। यहाँ का कैंप मुझे कहाँ मिला था मैं भूल गया फिर से। ओके इसी रास्ते पे था। नाइस। तो एक बार मैं कैंप के प्लेस में घुस जाऊँ तो एग्रो जो है वो फिर से ख़त्म हो सकता है। Let's finish up so they can get to it. वेट करूंगा यहाँ पर उसका एग्रो खत्म होने का, देखते हैं। उसका एग्रो मुझे नहीं लगता ऐसे खत्म होगा। यार एक्साइट शुरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। म्यूज़िक बंद हो चुका है अचानक से, लेकिन उसका एग्रो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यार ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, इतना एग्रो तो नॉर्मल मैप से भी नहीं रहते। बट वही है कि ये गाइडिंग लैंड से तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो मॉन्स्टर्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके नाइस। जाने से पहले एक बार अपनी हैंडलर को मैं रिपोर्ट कर दूंगा। एग्जिट आइटम बॉक्स मैनेज लोड आउट टू। ओके बस वही चीज अभी फिर से रिपीट करना है। जैसे ही लेवल टू पे आता है कोरल हाइलैंड्स जो है, वैसे ही मैं गाइडिंग लैंड से वापस चला जाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि देखूंगा कि यहाँ का कैंप सेटअप करने के लिए क्या क्या कलेक्शन वगैरह ज़रूरी है। तो जैसे ही एक एक मैं कैप्चर ट्रैप डाल रहा हूँ 25-25 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को। बहुत सही, मुझे लगा था कि फोर साइड कर लूंगा मैं उसको, बट ठीक है। बढ़िया से नाइस बिल्ले, ग्रे डैमेजेस आ रहे हैं यार, टेंडराइज भी नहीं है ये। बढ़िया फोर साइड।
इससे। अरे यार पुके पुके शायद निकल चुका है यहाँ से पूरा ही, तो मुझे नहीं लगता अब उसको बार बार बुलाने को कोई फ़ायदा है। अच्छा फ़ायदा है, शायद निकला नहीं है वो पूरी तरीके से। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा था अबाउट टू लीव द लोकल, वहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट द लोकल। कहाँ पर है पुके पुके? एक बार मार्क करके देखता हूँ। नाइस, होपफुली स्काउट फ्लाइज टाइम पे पहुँचा दे मेरे को उसकी तरफ। अरे ऊपर की तरफ गया वो, खैर कोई दिक्कत नहीं, लटक लटक के जा सकते हैं यहाँ से। नाइस स्काउट फ्लाइज, यहाँ पर बहुत सही। अरे कैसे यार, स्टैमिना बहुत कम हो चुका है, नलबेरी की जरूरत थी। नलबेरी है मेरे पास, मुझे लगा था उसके पूंछ के नीचे जाने से मैं मच जाऊंगा। नाइस, पूंछ काट दी मैंने, बहुत सही। मूत रहा है वो अपने मुंह से। बढ़िया, बहुत बुरा। ओके फ्रोस्टक्राफ्ट का लेवल फुल है, अच्छा डैमेज लगेगा। देखो यार कोरल रीजन का लेवल जो है वो अप हो चुका है अभी। जाने नहीं देंगे तुझे, बढ़िया। होपफुली इसके जाने से पहले मैं इसको मार सकूं। चलो यार पुके पुके स्लेड है, बढ़िया। मुझे लगा नहीं था वो हवाई हमला काम करेगा, बट ठीक है। ओके कोरल हाइलैंड का जो लेवल है वो सेकंड लेवल तक आ चुका है। अब टारगेट है मेरा कि कोरल हाइलैंड का जो कैंप साइट है उसको अनलॉक कर दूं। ओहो यार देखो यहाँ पे टूबी कड़ाची भी आ चुका है, लेकिन अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा, वैसे ही हॉस्टाइल नहीं रहता वो। ठीक है तो कर लेते हैं रिपोर्ट अपनी हैंडलर को।
और चल देते हैं वापस हेड हॉन्चेस के पास। काफी सारे आइटम्स मिल चुके हैं मेरे को यहाँ पे। ओहो, एक नया ज्वेल, स्लीप ज्वेल, बुरा नहीं है। टेंडराइजर मिल चुका है मेरे को। टेंडराइजर ज्वेल बेसिकली क्या करता है ना कि जहाँ पर भी मैं टेंडराइज करता हूँ वहाँ पर जो डैमेज है वो इंक्रीज़ होके आता है, और इंक्रीज़ का परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, रिटर्न फ्रॉम क्वेस्ट, लेट्स गो। वापस आ चुके हैं, चलते एक बार हेड हॉन्चेस के पास, पूछ के देखते हैं कि हेलो, गाइडिंग लैंड्स में क्या रहेगा। कल्चरल एक्सचेंज, वाइल्ड स्पायर वेस्ट, ओके, करना क्या है इस पे? चलो उसको छोड़ दे, कंप्लीट डिलीवरीज में जाकर देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। 1000 यूरो, यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग अप कैंप इन गाइडिंग लैंड्स। और तो और क्या क्या है पेंडिंग में, यही है। इसके लिए चाहिए फ्रॉस्फरस क्रिस्टल और हैवी ड्रैगन वेन वोन। हैवी ड्रैगन वेन वोन अभी कहाँ मिलेगा? खैर, इनसे पूछ लेते हैं हैवी ड्रैगन वेन वोन कहाँ पर चाहिए। हंटर्स नोट पे जाऊंगा और देखूंगा कौन से मॉन्स्टर के पास जो मैंने वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे जिनको हंट किया है उसमें कहाँ से मिलता है। हाई रैंक रिवॉर्ड्स है यहाँ पे, लो रैंक रिवॉर्ड्स है। ओके, लो रैंक पुके पुके का मास्टर रैंक है तो हैवी। मुझे लगता है बोन्स वगैरह ही कलेक्ट करने पड़ेंगे। हंटर्स नोट, फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल कहाँ मिलेगा वो भी मुझे नहीं पता सही से। खैर कोई दिक्कत नहीं, एल्डर मेल्डर के पास कुछ नया है कहने के लिए तो उनके पास चलते हैं। Hello there, Hunter. The scholars from Astera and Saliana have put their backs together to come up with something. We can now use our melding techniques to create analyzed special tracks from materials from the guiding lands. We are ready whenever you want to give it a shot. What fresh troubles shall we stir up today, Hunter? Okay, analyze special tracks. तो अभी special tracks भी मैं craft कर सकता हूँ यार। मेल्डर कोई जादूगर वगैरह है क्या? कुछ भी क्राफ्ट कर सकते। शेवर ज्वेल यहाँ पर देख सकते हो यार। इसको क्राफ्ट करना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि आई मीन जितना मेरे को लगता है शेवर ज्वेल जो है शेवर चाम से भी ज़्यादा पोटेंट हो सकता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। थ्रोटल मेंटेनेंस, विंड रेजिस्टेंस, ड्रॉ मेंटेनेंस, देखते मैं क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूँ उसके लिए। आइस रेजिस्टेंस चलता है, फायर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। 44,980 पॉइंट्स चाहिए इसके लिए। स्लीप ज्वेल, स्लीप अटैक को इम्प्रूव करता है तो मैं इसको सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत कम पॉइंट्स मिल रहे हैं यार इसके लिए, ऐसा क्या है मतलब इस पे। विंड रेजिस्टेंस मेंटेनेंस इसको भी बेच सकता हूँ मैं। फ्रेंडशिप इवेजन नहीं कर सकता। जंपिंग फिजिक इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बर एक्सपर्ट चलो इसको कर सकते हैं, ब्रेन एक्सपर्ट नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप ज़रूरी है। विंड रेजिस्टेंस, वाइटैलिटी, फ्लॉलेस प्रोटेक्शन। अब शेवर ज्वेल को सही बता रहा हूँ उसको क्राफ्ट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज्वेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिल्डिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा, ये नहीं चाहिए मुझे। ओके, जाके देखते हैं फिर से इसके पास क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए। गाइडिंग लैंड्स, हैवी ड्रैगन वेन बोन और फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल।
तो चलो ड्रैगन वेन बोन और फॉस्फोरस क्रिस्टल ढूंढने को निकल लेते हैं फिर से गार्डिंग लैंड पे, ज्वाइन करके देखते हैं होपफुली कोई हो। कोई नहीं है, एज यूजुअल डिपार्ट। ओके तो क्रिस्टल्स पहले ढूंढना शुरू करते हैं, फॉरेस्ट से ही ढूंढता हूँ मैं। और दिक्कत यह है कि मुझे ये नहीं पता कि क्रिस्टल्स फॉरेस्ट के कौन से लेवल पे अनलॉक होते हैं। इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स अनलॉक होंगे, तो वो एक चीज़ है जो मतलब गाइडिंग लैंड पे है कि पता नहीं रहता कौन सा क्रिस्टल कब अनलॉक होएगा। थोड़े हर्ब्स मिल गए, नाइस। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ प्लीज, जब आते ही शुरू हो जाते हैं। ओके क्रिस्टल्स की तलाश। गेम का ये पार्ट जो है ये सबसे बोरिंग पार्ट है, मतलब एक एक कैंप खोलने के लिए ही लेवल्स वगैरह आप करने पड़ेंगे। ग्रेट जैग्रास फुटप्रिंट्स, बहुत सही। तो एक और चीज़ है, फुटप्रिंट्स कलेक्ट करने पर भी जो लेवल है अपना गाइडिंग लैंड्स का वो बढ़ेगा। वहाँ पर देख सकते हो ग्रेट जैग्रास खड़ा है, उसको मारूंगा नहीं मैं, उसके फुटप्रिंट्स तो सबसे पहले कलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो 15-15 पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके फुटप्रिंट से। तो अगर कभी मौका मिलता है ना कि ऐसे ही पैसिवली अगर पॉइंट्स फार्म कर सके, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि शॉक ट्रैप डालने से 25 पॉइंट्स मिलते हैं, इसके फुटप्रिंट्स कलेक्ट करने से 15-15 पॉइंट मिल रहे हैं, और इसके फुटप्रिंट्स बहुत जल्दी जल्दी कलेक्ट भी हो पा रहे हैं। यार ये लोग फिर आ गए, ग्रेट जैग्रास को नहीं छेड़ना था बट खैर कोई दिक्कत नहीं, अब छेड़ ही दिया है तो इसको खत्म तो करना ही पड़ेगा। फुटप्रिंट्स वगैरह है कहीं और लगता नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं क्रिस्टल ढूंढने आया था ग्रेट जैग्रास से लड़ने नहीं, तो मैं उससे लड़ूंगा भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं आगे निकल लूंगा। मुझे चाहिए क्रिस्टल्स, फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल्स। ये गेम का ऐसा पार्ट है जिसमें कभी कभी इंटरनेट से हेल्प लेना पड़ता है। इनफैक्ट गेम के शुरू में मैंने भी बहुत बार वही किया था, क्योंकि गेम यही है यार, गेम काफ़ी चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखता है, चीज़ें बताता नहीं है, और वही है पूरे गेम का आइडिया कि स्टोरी गेम नहीं है, ये बेसिकली है ग्राइंडिंग वाला गेम। होपफुली यहाँ पर जो क्रिस्टल्स थे वहाँ से कुछ फ्रॉस्फेरस वगैरह मिल सके।
देख सकते हो यहाँ पे ड्रैगन वेन शार्ड, फॉरेस्ट क्रिस्टल, ठीक है, क्रॉसफेरस अभी तक नहीं मिला। तो बेसिकली एरिया लेवल करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी ये होता है एरिया लेवल किए बिना ही जो गैदरिंग नोड्स के जो लेवल है कि जहाँ से भी क्रिस्टल्स वगैरह या फिर कुछ भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उनको लेवल अप किया जा सकता है। और वो कैसे लेवल अप होंगे, जितना मैं उनसे चीज़ें कलेक्ट करूँगा उतने, देखो अभी जो बोन पाइल का जो कलर है वो येल्लो हो चुका है, इसका मतलब देखो नए कुछ नए मटेरियल्स मिले, इसका मतलब इस बोन पाइल का जो लेवल है वो थोड़ा आगे निकल चुका है। ग्रेट जायग्रास फुटप्रिंट्स, नाइस। गाइडिंग लैंड्स का यही है यार, ज़रूरी नहीं है कि मॉन्स्टर को पूरा मारना ही हो, ऐसे पैसिवली भी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मज़ा कम है, लेकिन ये जो तरीका है वो ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक और बोन पाइल है, नाइस। वहाँ पर देख सकते हो एक और क्रिस्टल का नोड है, देखते हैं अभी ग्रेट जैग्रॉस के पास जाऊंगा तो वो एग्रो रहेगा कि नहीं, एग्रो नहीं है, बहुत सही। तो मैं अभी इसके फुटप्रिंट्स कलेक्ट कर सकता हूँ, फुटप्रिंट्स है, ओहो नाइस। स्किड मार्क्स में मेरे को 25 पॉइंट्स मिले, अच्छा है। वो तो किस्मत अच्छी है कि ग्रेट जायग्रास जो है थोड़ा डोसाइल जानवर है, इसलिए कुछ कर नहीं रहा, अगर एग्रेसिव होता तो बार बार लड़ना ही पड़ता इससे। ओके एक और बोन पाइल आ चुका है यहाँ पे, ढांचा तो कलेक्ट हो चुका है। और कुछ क्रिस्टल्स है क्या यहाँ पे, लग नहीं रहा, नीचे आके देखते हैं फिर से। क्रिस्टल्स वहाँ पर शायद फिर से आ चुके हैं, अरे चुप भाई। इनकी वैसे मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, रहे रहे ना रहे ना रहे की बात है। ओके नाइस, प्रोग्रेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो यार एंशिएंट फॉरेस्ट लेवल 1 पे था, थोड़ा आगे बढ़ चुका है। पिंक राथियन भी है यहाँ पर, और पिंक राथियन जितना मुझे लगता है पिंक राथियन का जो लोकेशन रहता है वो यूजुअली वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे रहता है या फिर शायद कोरल हाईलैंड पे भी रह सकता है। तो पिंक राथियन के भी मैं फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट कर सकता हूँ वैसे।
जितना मुझे याद है पिंक राथियन तीन तीन लोकेल्स में एक साथ मिलते हैं, वाइल्ड स्पायर वेस्ट, कोरल हाईलैंड और एंशिएंट फॉरेस्ट। बट ठीक है, अभी तो मतलब मेरी तो यही उम्मीद है। तो यार देख सकते हो मैप में जो पिंक राथियन का लोकेशन है वो कोरल हाईलैंड्स में दिखा रहा है, तो चांसेस यही ज़्यादा है पिंक राथियन जो है वो कोरल हाईलैंड्स में ही होगी। ओके, कुछ तो फुटप्रिंट्स वगैरह है, नाइस। वही है, कभी कभी दिक्कत यही रहती है कि माइंडलेस ग्राइंडिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। देख सकते हो यार बैनबरो यहाँ पर आ चुका है, उसके फुटप्रिंट्स आराम से कलेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि वो डोसाइल रहता है यूजुअली। लगता है बैनबरो विल लीव द लोकल सून। क्यों भाई, अभी अभी तो आया था। लॉस्ट ट्रैक ऑफ द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मेरे सामने है। ओके नाइस, बैनबेरो यहाँ क्यों जा रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रॉटेन वेल का लेवल बढ़ रहा है अगर मैं बैनबेरो की ये सब फुटप्रिंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं करूँगा मैं, रॉटेन वेल का लेवल नहीं बढ़ाना मेरे को, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। खैर जाने देते हैं, सही सोचा था मैंने, रॉटन वेल का लेवल बढ़ रहा है अगर मैं इसको कलेक्ट करूँ तो। खैर सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने कैंप पे। और आइटम बॉक्स वगैरह फिर से स्टैक अप कर लूँगा। देखता हूँ मेरे पास क्राफ्ट करने के लिए कुछ है कि नहीं। एक्साइट श्रूम से तो फारकास्टर, ओके दो एक्साइट श्रूम है, दो फारकास्टर है, अच्छा है। मैनेज आइटम्स, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक फारकास्टर। और उसको सेव कर दूंगा मैं लोड आउट में, नाइस। तो अपग्रेड जैगरास को दो तीन बार फंसाना है, एक बार वो फंस गया तो एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल जो है वो और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। और यार मेरे को क्रिस्टल्स और बोन्स चाहिए लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। अब इनसे भी पंगे लेने पड़ेंगे सीरियसली। यहाँ पर कोई नया क्रिस्टल मेरे को दिख नहीं रहा। इनसे नफरत है मेरे को। खैर भाग गए इतनी जल्दी। फुटप्रिंट्स, नाइस, एक और फुटप्रिंट, एक और फुटप्रिंट।
यहाँ पर देख सकते हो यार, एक और क्रिस्टल स्पॉन हुआ है। ओहो, बोन पाइल अभी ऑरेंज कलर पे आ चुका है। यानी कि नए मटेरियल्स है यहाँ पे। नाइस। तो अभी क्रिस्टल्स को भी आगे के लेवल पे लेके जाना है। देखते वहाँ पर मेरे को क्या क्या मटेरियल्स मिल सकते हैं। जबरौसी जो है वो इस एरिया से निकलने वाला है। कोई खास दिक्कत नहीं है। ग्रेट जैगरॉस हैज लेफ्ट द लोकेल, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये आ गए। तो यार ये जो एपिसोड है वो इसी तरीके से मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। मैं बस यहाँ के चक्कर लगाता रहूँगा क्रिस्टल्स वगैरह या फिर हड्डियाँ वगैरह ढूँढने में। और हड्डियाँ मिले ना मिले बिना, ओहो यार यहाँ पर एकदम सामने क्रिस्टल स्पॉन है और देख सकते हो कितना बड़ा क्रिस्टल नोड है। फ्रॉस्फेरस, ओके यहाँ से फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल मिला है। नाइस यार, फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल के नोड जो है वो अभी स्पॉन होने लगे हैं। तो यहाँ पर कुछ देर बाद वापस आना है फिर से लगता है। खैर आगे देखते हैं कहीं और क्रिस्टल स्पॉन हो आगे। नहीं ये सिस्टम मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बार क्रिस्टल्स वगैरह फार्म करना पड़ेगा एक एटलीस्ट एक ढंग के क्रिस्टल लेवल तक पहुँचने के लिए। इनसे नफरत है मेरे को। स्टैमिना देख सकते हो मेरा कितना कम हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि एक्सपीडिशन में स्टैमिना बार अपने आप कम होता रहता है। ओहो कुछ तो भी अच्छा मिला है हंटर को। क्रिस्टलाइज एल्डर ड्रैगन बोन, सही है। अंदर भी शायद क्रिस्टल फिर से रीफॉर्म हुआ होगा, तो चलो उसको जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ है? शायद नहीं। नाइस। तो दो फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल मिल चुके हैं मुझे। एक और फ्रॉस्फेरस क्रिस्टल चाहिए बेसिकली, और उसके बाद मुझे हेवी ड्रैगन वेन बोन की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है ये सब ऑन होने में। नीचे जाकर देखते हैं वो वाला क्रिस्टल, वो वाला जो पिछला वाला जो क्रिस्टल था वो रिस्पॉन हुआ कि नहीं। हो जाना चाहिए वैसे तो इतने टाइम के अंदर। नहीं हुआ, खैर कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरा बोन वगैरह हो यहाँ पर तो अच्छी बात है। बोन है यहाँ पे वैसे। नाइस। तो यार मुझे लगता है गैदरिंग के लिए एक बिल्ड बनाना पड़ेगा मेरे को, एक अलग सा ही, जिसमें लक जो है वो हाई हो। और लक के लिए मुझे किरीन का आर्मर चाहिए, तो इसके लिए मुझे किरीन को और दो तीन बार मारना पड़ेगा। अकेले नहीं मारूंगा मैं, वो ऑफ स्क्रीन ही मैं करूंगा।
ताकि बार बार वही क्वेस्ट दे। ओहो, साइंस ऑफ टर्फ वॉर, नाइस। यही तो मेन चीज है यहाँ का। प्लीज यार, एक दो और क्रिस्टल्स मिल जाए बस। लेवल तो वैसे बढ़ चुका है। आईवी क्या है? ओके, आईवी है तो फिलहाल के लिए स्लीप हर्ब के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। फिर से एक और एक्साइज श्रूम क्रिस्टल यहाँ पर स्पॉन हुआ है। कुछ भी नहीं। ओहो, बोन फिर से आ चुका है। तो यार बोन बड़ी जल्दी जल्दी स्पॉन हो रहे, क्रिस्टल्स मेरे को दिख नहीं रहे ज़्यादा। बड़ी अजीब बात है ये। ओह चलो, अच्छा एक और आखिरी क्रिस्टल मिल गया एटलीस्ट। फ्रॉस्फरस क्रिस्टल्स 3 मिल चुके हैं, बढ़िया है। तो अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो देख सकते हो यार, कोरल रीजन का लेवल जो है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका है, क्योंकि कोरल रीजन का ही मुझे लेवल बढ़ाना है ताकि जिनोगर से मैं लड़ सकूं। ओके, रिसोर्सेज कैन बी डिलीवर्ड। देखते हैं क्या क्या डिलीवर कर सकता हूं मैं। कंप्लीट डिलीवरीज पेंडिंग। हाँ, इनको कर ही देता हूं मैं, क्या ही है। गाइडिंग लैंड में और मुझे क्या चाहिए? हैवी ड्रैगन वेन बोन। तो यार मैं सोच रहा हैवी ड्रैगन बोन मैं ऑफ स्क्रीन ही कर लूँ, क्योंकि ये जो क्वेस्ट है, आज का सेशन वैसे थोड़ा सा बोरिंग तो था ही, क्योंकि मोस्टली जो है वो हंट पर फोकस नहीं था, गैदरिंग पर फोकस था। और गैदरिंग के लिए मुझे एक तो गैदरिंग का कोई तो भी क्या कहते हैं, कोई तो भी एक नया बिल्ड बनाना पड़ेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड पसंद आया होगा, भले ही आज कुछ ज़्यादा मज़ेदार था नहीं, लेकिन गेम कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है ये। और पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हें मिलूँगा यार मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए अलविदा।